नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लॉ गुरु में मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग की और सेमिनार मेथड की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी मीनिंग की फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेमिनार मेथड उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमिनार मैथड फिर हम कवर करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेमिनार मैथड तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं सेमिनार मेथड ऑफ़ टीचिंग की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की दोस्तों सेमिनार शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे मुझे लगता है कि कोई अनजान नहीं होगा जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि सेमिनार का मतलब क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं इकट्ठे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक मीटिंग करते हैं उसको हम सेमिनार कहते हैं सेमिनार इज अ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज़ अ रिफ्लेक्शन मेथड इन विच टीचर इज़ देयर टू गाइड इन हायर एजुकेशन सिस्टम Teachers are there to use those techniques in which the student play an important role by the assistance and help of the teacher. यानी कि दोस्तों सेमिनार जो है एक टेक्नीक है इंस्ट्रक्शन देने की एक इंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने की ये एक रिफ्लेक्शन मेथड भी कहलाया जाता है क्यों क्योंकि इसके थ्रू जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं उन टेक्निक्स को सिखाते हैं उनको हेल्प करते हैं असिस्ट करते हैं ताकि कि वह अपनी लीगल फील्ड में लीगल एजुकेशन की फ़ील्ड में आगे बढ़ सकें उनको मोटिवेट कर सकें वहीं अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ सेमिनार मेथड, सेमिनार मेथड इज़ मोर यूजफुल इन लीगल एजुकेशन देज आर दी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेमिनार मेथड यानी कि दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि लीगल एजुकेशन के अंदर सेमिनार मेथड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्यों उसके मेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से हैं पहला है दोस्तों इसमें टू डेवलप क्रिटिकल सेंस एंड अप्रोच अमोंग स्टूडेंट्स यानी कि दोस्तों स्टूडेंट्स के बीच में उनके क्रिटिकल सेंस को और उनकी अप्रोच को डेवलप करने का काम करता है सेमिनार मेथड दूसरा है दोस्तों टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन सेमिनार एंड बाय विच दे डेवलप क्रिएटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी इन दैम यानी कि दोस्तों सेमिनार मेथड जो है वो स्टूडेंट को मौका देता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें जिसकी वजह से उनकी एनालिटिकल एबिलिटी और उनके क्रिएटिव थाट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं नेक्स्ट है इसमें टू एक्टिवेट थिंकिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज़ यानी कि स्टूडेंट्स के थिंकिंग एबिलिटी और आइडियाज़ को डेवलप करता है एक्टिवेट करता है फोर्थ है ईच स्टूडेंट हैज़ गॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस एंड लिसन द आइडियाज़ एंड थाट्स ऑफ अदर्स यानी कि दोस्तों दूसरे के आइडियाज़ व्यूज़ थाट्स सुनने का और अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट है टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ टॉलरेंस बाय लिसनिंग दी आइडियाज एंड व्यूज़ ऑफ अदर्स यानी कि दोस्तों दूसरों के आइडियाज़ और थाट्स सुनने से अपनी शहनीय शक्ति टॉलरेंस पावर जो है वो भी डेवलप होती है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमिनार तो दोस्तों सेमिनार्स को कुछ कैटेगरीज़ में कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिनमें से पहला है नेशनल लेवल सेमिनार जो नेशनल लेवल पे किया जाता है दूसरा है इंटरनेशनल लेवल सेमिनार जो इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है तीसरा स्टेट लेवल सेमिनार यानी कि दोस्तों जो स्टेट लेवल पे किया जाता है चौथा है इंस्टीट्यूशनल सेमिनार इट इज़ कंडक्टेड एट इंस्टीट्यूशनल लेवल यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर किया जाता है और लास्ट है मिनी सेमिनार या क्लास सेमिनार जो क्लास लेवल पर कंडक्ट किया जाता है उसको कहते हैं क्लास सेमिनार अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सेमिनार मेथड्स की तो दोस्तों सेमिनार मेथड की बहुत सारे मेरिट्स हैं जिनमें से पहला है सेमिनार मेथड सिस्टम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर एबिलिटीज़ यानी कि दोस्तों स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकें दूसरी मेरिट है दोस्तों इसकी इट मेक्स एन एटमोसफेयर ऑफ कॉर्डिनेशन यानी कि दोस्तों कोऑर्डिनेशन करने का एटमोसफेयर क्रिएट करता है बनाता है तीसरा है इसमें इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस अमोंग स्टूडेंट्स दोस्तों सेमिनार मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने व्यूज़ बाकी स्टूडेंट के सामने रखते हैं तो इससे क्या होता है कि उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है वो डेवलप होता है नेक्स्ट है इसमें देर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड यूजफुल एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स बाई अडोप्टिंग दिस मैथड यानी कि इस मैथड को अडोप्ट करके स्टूडेंट्स की क्रिएटिव और यूजफुल एक्टिविटीज़ जो है वो डेवलप होती है नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इट क्रिएट्स टीम वर्क विच इज़ हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स टू बी ए सोशल पर्सन यानी कि दोस्तों सेमिनार मेथड जो है वो स्टूडेंट के बीच में टीम वर्क को डेवलप करता है बढ़ाता है नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स बाई पार्टिसिपेटिंग इन द सेमिनार गेट इंटेंसिव नॉलेज टू लर्न मोर एंड मोर इन ए राइट डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन को उनको चुनना है किस तरह से अपनी स्टडी को नॉलेज को इन्हेंस करना है बढ़ाना है वो सेमिनार मेथड के थ्रू स्टूडेंट जो हैं सीखते हैं प्राप्त करते हैं इट डेवलप्स रेसिप्रोकर रिलेशंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक रेसिप्रोकर रिलेशन क्रिएट करता है कैसे स्टूडेंट्स जो हैं अपने व्यूज़ दूसरे स्टूडेंट से रखते हैं उनकी बातें सुनते हैं उनके व्यूज सुनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट student और स्टूडेंट्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होता है बनता है नेक्स्ट है इसमें इट हेल्प्स टू स्लो लर्नर्स ऑल्सो यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ग्रास्पिंग पावर जिनकी एबिलिटी जो है वो थोड़ी स्लो है बाकी स्टूडेंट के मुकाबले उनकी लर्निंग पावर को भी ये बढ़ाता है और उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है इतनी सारी मेरिट्स होने के बावजूद सेमिनार मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो इस तरह से हैं पहला है इट इज़ नॉट ईजियर टू ऑर्गेनाइज सेमिनार दोस्तों सेमिनार को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं होता क्यों नहीं होता इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली होता है दोस्तों ज़्यादा पैसा लगता है और टाइम जो है इसमें वो कंज्यूम ज़्यादा होता है थर्ड है ऑल स्टूडेंट्स आर नाट एबल टू प्रिपेयर एंड प्रजेंट देयर पेपर्स यानी कि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अपने पेपर्स या अपने व्यूज़ या अपने थॉट्स बाकी लोगों के सामने रखने के लिए नेक्स्ट है इसमें नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स यानी कि दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी छात्रों के लिए ये सूटेबल नहीं है इस पर आजकल काम किया जा रहा है क्योंकि आजकल सेमिनार्स जो हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कर पा रहे हैं नेक्स्ट है इट इज़ नॉट इकोनॉमिक इट कंज्यूम गुड मनी जैसे कि हमने बताया आपको पर के कॉस्टली होता है एक अच्छा अमाउंट जो है इसमें खर्च किया जाता है सेमिनार को कंडक्ट कराने के लिए तो ये था दोस्तों सेमिनार मेथड जिसमें हमने बात करी इसकी मीनिंग की इसके ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स की और फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स की सेमिनार मेथड को लेकर आपकी क्या राय है आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज की इस वीडियो में बस इतना ही अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग की इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें वहाँ पर मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ साथ हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कंपनी लॉ इन्वायॉर्मेंटल लॉ एविडेंस एक्ट सी पी सी सी आर पी सी जैसे लॉज की वीडियोज़ चाहिए तो हमने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल लॉ लेक्चर बाई तरुणा शर्मा के नाम से बना रखा है उस चैनल पर हमने सी पी सी सी आर पी सी एविडेंस इंटरप्रटेशन इंस्टीट्यूट ह्यूमन कंपनी लॉ क्रिमिनोलॉजी और इन्वामेंटल लॉ जैसी बहुत सारी लॉ की वीडियोस अपलोड कर रखी है तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं चैनल पर जाने के लिए आप इधर क्लिक करके डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं अगर आपको उस चैनल पर जाकर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ चैनल को शेयर जरूर करें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ज़रूर दबाएं धन्यवाद